हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चाइनीज भेल। उसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम नूडल्स लिए हैं। इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। जब ये बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। ये देखिए, हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें नूडल्स डाल देते हैं। अब इन्हें 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स पक चुके हैं। अब हम इनका पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसे जाली में निकाल दिया था और ये अच्छे से अब पानी इसका निकल चुका है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, ये तेल में आपको कुछ दाने दिखाई दे रहे होंगे, तो ये समझना मत कि ये तेल गंदा है। मैंने इसमें अभी कुछ फ्राई किया था, तो मैं इसी में ही ये नूडल्स भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, अब हमारा तेल गरम हो चुका है। हम इसमें थोड़े से नूडल्स डाल देंगे। इस तरह से हमें फैलाते हुए नूडल्स डालने हैं। एक ही जगह पर हमें सारे नूडल्स को नहीं डालना है, वरना ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको डालना है। अब हम इन्हें चला लेते हैं। ये देखिए, इन्हें पलटकर अच्छे से हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स क्रिस्पी हो गए हैं। और ये देखिए, एक साथ ये बाइंड हो गए हैं। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो ये इस तरह से बाइंड हो जाएंगे। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा दिया है और मैं इसमें इस तरह से ही नूडल्स डाल दूंगी। फिर से उसी तरह मैं और नूडल्स भी फ्राई कर लूंगी। और इन्हें भी ऐसे ही क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नूडल्स को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लिया है और मैं इनको अच्छे से क्रश कर लूंगी हाथों से। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, प्याज और ये पत्ता गोभी, और फिर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। आप इसमें अपनी पसंद से और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। नमक और ये चाट मसाला, और अब इन्हें फिर से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी भेल बनकर तैयार है। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और ये एक डिफरेंट डिश है। आप इसे जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।